हरियाली आपको चारों ओर दिखाई दे रही है, खिला खिला सा स्वरूप है। सावन का महीना है और सावन के महीने में अमावस्या के पश्चात जब सूदी की तीज आती है तो हरियाली तीज कही जाती है, और वास्तव में सही कहा गया है इसको हरियाली तीज, क्योंकि हरा हरा हर ओर दिखने लगता है, हरियाली छाने लगती है। एक ऐसा ही हरा हरा हरियाली भरा कार्यक्रम आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत हरियालो राजस्थान उपखंड स्तरीय कार्यक्रम यहाँ हरितिमा ढाणी गोपालपुरा में आयोजित हो रहा है, और जहाँ पर उपखंड स्तर के सभी अधिकारीगण और बल्कि जन सहभागिता भी भारी संख्या में यहाँ पर रहने वाली है। और पिछले दो तीन दिनों से लगातार ये यहाँ पर वृक्षारोपण चल रहा है, और आज वृहद वृक्षारोपण हजारों की संख्या में वृक्षारोपण आज एक साथ होने वाला है। मैट्रिक्स ओलंपियाड 51 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेज, फ्री सिंगापुर टूर, 100% तक स्कॉलरशिप। मैट्रिक्स ओलंपियाड के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें mofmatrixedu.in। सेंट्रल चिल्ड्रंस एकेडमी, सुजलास फर्स्ट ग्रोइंग एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सेकेंडरी स्कूल, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। और जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये स्थल है हरितिमा ढाणी गोपालपुरा, और जहाँ की सरपंच सविता जी राठी यहाँ मौजूद हैं। मुझे याद है लगभग 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, जब यहाँ पे मरे जानवर और एक भीड़ था और जहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता था, और आज यहाँ पर हजारों पौधे लगे हुए हैं और हजारों पौधे लग रहे हैं। क्या आज जो खास कार्यक्रम रहने वाला है? हजारों सालों से यहाँ कचरा और मृत पशु और इन सब के कांटे, बुरी तरह से ऐसी स्थिति थी। हमारी ग्रामीण महिलाओं ने पूरी मेहनत करके एक एक कांटा निकाला है और हजारों पेड़ यहाँ लगे। आज के दिन हमारे यहाँ 20,000 पौधे जिंदा हैं, और आज हम नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 21,000 पौधे आज के दिन, जो हरियाली तीज है हमारी, उस दिन हम लगा रहे हैं। ये राज्य सरकार के आदेशों के तहत भी कार्यक्रम हो रहा है लगातार। वैसे भी हम हरितिमा ढाणी के अंदर पौधे लगा रहे हैं। ये हरितिमा आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए न केवल ये ऑक्सीजन का भंडार है, बल्कि हमारी जो ज़मीन है उसे भी उन्होंने उर्जरा, उसको उर्वरक ज़मीन बनाई है इन पौधों ने। आसपास के जो जितने किसान हैं उनकी भी खेतों में ये उर्वरक भूमि जो है होती जा रही है लगातार इन पेड़ों की जड़ों से। और इसके अलावा इन पौधों के कारण बारिश भी खूब आती है, और इस बारिश के कारण भी यहाँ हरितिमा काफ़ी रहती है। मैं समझती हूँ कि गोपालपुरा आने वाले समय में हरितिमा के नाम से जाना जाए, और साथ में ये पर्यटन क्षेत्र भी हो रहा है, हमारी महिलाओं को रोज़गार मिलता है। तो एक तरह की प्रकृति के साथ जुड़ने की हमारी ये कोशिश है, ताकि ये प्रकृति के साथ में हमारा जो धन पशु के लोग हैं, हमारे खेती और किसान हैं, उनका जीवन सफल और सुव्यवस्थित बन सके। बिल्कुल, 21,000 पौधे लगाने का आज एक रिकॉर्ड बनने वाला, और आज से पहले भी यहीं पे एक बहुत सारे पौधे एक साथ लगाने का रिकॉर्ड था, वो कितने का था? ये 19 जुलाई 2021 को हमने 5100 पौधे एक साथ लगाए थे, उसी से हमारी हिम्मत बनी और वो पौधे जिंदा रहे, लगातार हमारी प्रयास है। आप ही तोड़ रहे हैं जी। बिल्कुल, उपखंड स्तरीय वृक्षारोपण महाअभियान, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारम्भ किया जा रहा है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। एडीएम मंगलाराम जी पूनिया, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार जी, एसडीएम ओम प्रकाश जी वर्मा, बीडीओ, सीडीपीओ, समस्त अधिकारीगण मौजूद हैं, सरपंच सुविधा जी राठी मौजूद हैं। गोपालपुरा के हरितिमा ढाणी में उपखंड स्तर का वृहद 21,000 वृक्ष एक साथ लगाए जा रहे हैं। वृक्ष की पूजा की जा रही है, केले के वृक्ष की पूजा के साथ कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है। पूर्व विधायक एवं राजस्थान सरकार के मंत्री रहे खेमाराम मेघवाल और सुजानगढ़ प्रधान मनवरी देवी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, रिमझिम बौछार हो रही है, ऐसे सुहाने मौसम में हरी हरियाली के बीच यह हरियाला राजस्थान का कार्यक्रम चलता हुआ वैदिक मंत्रोच्चार पूरे आकाश में गुंजायमान हो रहे हैं। तमाम अधिकारी गणों के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगलाराम जी पूनिया, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार जी, एसडीएम ओम प्रकाश जी वर्मा, बीडीओ
CDPO, तमाम अधिकारी, SDM ओम प्रकाश जी सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं, नेतागण मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। ये देखिए बृहद दृश्य, हरियाली तीज के उपलक्ष पर हरियाला राजस्थान कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया जा रहा है। और उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश जी के द्वारा ये देखिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। समस्त अधिकारियों कार्मिकों के द्वारा ये देखिए पौधारोपण किया जा रहा है। तहसीलदार सुभाष जी स्वामी वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये देखिए पौधारोपण शुरू हो चुका है और पंचायत समिति की पूरी टीम सरपंच सविता जी राठी के साथ मिलजुल कर ये देखिए पौधारोपण किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार हरियालो राजस्थान बनाया जा रहा है। विभिन्न अधिकारियों के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं और पौधारोपण का वृहद कार्यक्रम शुरू हो चुका है और पौधारोपण किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सभी कार्मिकों और स्टूडेंट्स के साथ सरपंच सविता राठी पौधारोपण कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिक राजस्थान हरा भरा बनाएंगे और भारत को हरा भरा बनाएंगे। हरियाली तीज के ऊपर सभी ने पौधारोपण किया है ना। बोलो पूरा गांव की जय हो। बोलो हरियाली माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। और ये सभी राजीव का की महिला शक्ति पौधारोपण में सहयोग कर रही है, पौधारोपण कर रही है। DM रुचिका जी और APM हरकेश जी साथ में सभी महिला शक्ति और सविता जी राठी सरपंच। एक पेड़ माँ के नाम। पेड़ हमें इसलिए लगाने हैं क्योंकि हमारी जो धरती है वो हरा भरा रहे और हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमें मिलती रहे। तो हमारा आज का उद्देश्य है हरियालो राजस्थान। राजस्थान को हरा भरा बनाया जा रहा है। CDPO विभाग की ओर से CDPO गौरव जी चौधरी के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग से आज हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत यहाँ ग्राम सरपंच महोदया श्रीमती सविता राठी मोदिया के द्वारा आज जो ये 21,000 वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और निसंदेह पर्यावरण के दृष्टिकोण से और आने वाले भविष्य को देखते हुए ये एक बहुत ही पर्यावरण को एक अच्छा संदेश देने वाला अभियान है। और ये देखिए बारिश का मौसम है, लबालब सरोवर यहाँ का। और ये देखिए आज हरियाली तीज पर हरियाला राजस्थान का एक वृहद दृश्य मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, जहां पर ये देखिए हजारों की संख्या में पेड़ एक साथ लगाए जा रहे हैं। ये हरितिमा ढाणी गोपालपुरा का दृश्य है, जहां पर तमाम ब्लॉक और उपखंड स्तर के तमाम अधिकारी ADM SDM समस्त अधिकारी एडिशनल SP सुजानगढ़ सभी मौजूद हैं और साथ ही साथ कई सामाजिक संगठन मौजूद हैं, तमाम विभागों के कार्मिक मौजूद हैं और ग्रामवासी मौजूद हैं। और एक वृहद दृश्य हरियाली का आज मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत हरियालो राजस्थान का एक वृहद दृश्य। हरितिमा ढाणी गोपालपुरा से और एडिशनल SP दिनेश कुमार जी वृक्षारोपण के लिए यहां पर मौजूद हैं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगलाराम जी पूनिया देखिए वृक्षारोपण कर रहे हैं। सभी अधिकारीगण वृक्षारोपण कर रहे हैं। SDM ओम प्रकाश जी वर्मा पेड़ लगा रहे हैं। सभी अधिकारीगण देखिए नेम तख्तियाँ लगी हुई हैं, वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहे हैं। वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम शुरू हो चुका है, दूर तक नजर जाएगी जहाँ तक ये देखिए अधिकारी और सब लोग मौजूद हैं, वृक्षारोपण किया जा रहा है। बृहद वृक्षारोपण का दृश्य हरियालो राजस्थान
ये देखिए सभी विभाग और कार्यकों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, लोगों के द्वारा वृहद वृक्षारोपण का जो है हरियालो राजस्थान पेड़ लगाए जा रहे हैं। सभी अपने अपने वृक्ष के पास खड़े हैं। पूर्व मंत्री विधायक खेमाराम जी मेघवाल, प्रधान मनवरी देवी और वैद्य भवनलाल जी वृक्षारोपण कर रहे हैं। पौधे भेंट किए जा रहे हैं, सभी को पौधे गिफ्ट किए जा रहे हैं। किसानों से भी निवेदन है कि वो भी अपनी मेड़ों पे ज्यादा से ज्यादा है वो वृक्षारोपण करें। इस वृक्षारोपण से ही बरसात होगी, पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा होगी और सारा है। इस बार भगवान अच्छे बरस रहे हैं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस हरियाली तीज पर हम फिर से सारे गाँव वासी, ये जितने बच्चे हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी हमें बिल्कुल इस बात के लिए दोष नहीं दे सकती कि आपने हमारे लिए क्या किया। इनके लिए हम ये हरी भरी धरती छोड़ना चाहते हैं और इन पहाड़ों को साक्षी बनाकर, ये डूंगर बालाजी धाम को साक्षी बनाकर हम जो यहाँ पे खनन हो रहा है उस खनन के खिलाफ भी लगातार काम कर रहे हैं और गोचर भूमि को बचाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सुनवाई आज जो ये गुलदस्ता प्रशासन का बैठा है ये जरूर सुनेगा और तुरंत इस पे कार्रवाई जैसे अभी तक होती आई है वैसी हमेशा होगी। कालपुरा में एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ है और पेड़ों को समर्पित है और आज का दिवस भी पेड़ों को समर्पित है। और ऐसे इस कार्यक्रम में, उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में, जहाँ पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश जी वर्मा पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे सर आज जो दिवस वैसे हरियाली को समर्पित है और जिस तरह की गर्मी पिछले दिनों हमको देखने को मिली है, ये एक प्रयास हो सकता है धरती बचाने का? बिल्कुल, ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि हर एक आदमी हर माँ के नाम पेड़ लगाएगा और इसी के तहत आज इस शुभ दिन ये पूरे राजस्थान में प्रोग्राम रखा है और एक ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम हमने गोपालपुरा में रखा है। आज के दिन हमने यहाँ गोपालपुरा में 21,000 पौधे लगा रहे हैं और उनको कोशिश करेंगे हम 21,000 पौधों को सभी को जीवित रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, पहले भी यहाँ पे 20,000 पौधे हैं और 21,000 पौधे और लगाए हैं, बहुत बड़ी जगह है। तो एक पौधों की के लिहाज से ये बहुत चूरू ज़िले का बहुत अच्छी जगह होगी आने वाले दिनों में। धन्यवाद। जिस तरह से सरपंच साहब के द्वारा जो यहाँ पर जो प्रयास किए गए हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि जो है इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ यहाँ पर पहले मृत जानवर हुआ करते थे और आज जो है हरा भरा एक बगीचा बनता जा रहा है। बिल्कुल, सरपंच साहब की इसमें मेरे को प्रशंसा करनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत ही अपनी पर्सनल रूप से मेहनत करके और लोगों को साथ लेके जो प्रयास किया है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी जगह एक हरी भरी जगह बन जाएगी, लेकिन आज उन्होंने कर दिखाया है अपने गांव के लोगों को साथ में लेके और प्रशासन का भी इसमें जब चाहा सहयोग रहा है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और पिछले 3 साल के अंदर इस स्थान पर जिस ढंग से डेवलपमेंट हुआ है, इतने सारे पेड़ लगे हैं, इस ज़मीन में बड़े बड़े खड्डे थे, उन खड्डों के अंदर बहुत शानदार ये सरोवर वगैरह बनाया है और ये स्विमिंग पूल बनाया है, पीने के पानी के लिए जगह जगह अलग से PSP वगैरह लगाई है और पेड़ों को पानी देने के लिए यहाँ जो सिस्टम नरेगा योजना के तहत और पंचायत समिति और पंचायत के द्वारा यहाँ जो निर्मित ये जितने भी पेड़ लगे हैं उसमें नरेगा के श्रमिक भी खूब काम किया है, यहाँ की लोकल महिलाओं ने भी श्रमदान किया है और यहाँ के गोपालपुरा के ज़्यादातर लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है इसके अंदर इतने सारे पेड़ लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान हरियाणा राजस्थान के तहत आज यहाँ गोपालपुरा के हरतिमा ढाणी में 21,000 से ज़्यादा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें उपखंड स्तर के सभी, ब्लॉक स्तर के सभी, हर विभाग के अधिकारीगणों ने भाग लिया है और साथ ही जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे। भारी संख्या में उत्साह के साथ यहाँ पर हज़ारों वृक्षों के साथ हरियाला राजस्थान के सपने को साकार करने का एक बहुत ही शानदार प्रयास यहाँ गोपालपुरा पर किया गया है। मैं नागेश कुमार कौशिक, हरी प्रजापति के साथ, आप सभी का धन्यवाद।